गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम आगे एमपीजीके के क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम हुए हैं उसमें सारे क्वेश्चन जो एमपीजीके से पूछे गए हैं वो हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो बेतवा रिवर है, नदी है, वो कहाँ से निकलती है। तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। तो ये दरअसल जो है वो रायसेन के कोमरगांव से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर जो ये है हम यमुना नदी में मिल जाती है। बाकी इसकी सहायक नदियाँ भी आपको याद रखना है। सहायक नदियाँ जैसे कि बीना हुई, दशान हुई और सिंध। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं तीन मुख्य रूप से। ओके, चलिए अब आज का वीडियो देखते हैं। अगले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा दरअसल ये जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है होशंगाबाद। और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसको एक जीवित इकाई के रूप में घोषित किया है, नर्मदा नदी को। तो ये भी आपको याद रखना है। और बाकी होशंगाबाद में जो है वो सबसे कम वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये दरअसल जो है वो खंडवा में है। तो ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो जो इंदिरा सागर बांध जो है वो खंडवा में है और ये दरअसल जो है वो कौन सी नदी पर है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये बात की जाए तो नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी पर जो बात की जाए कि इंदिरा सागर बोलते हैं या सरोवर भी बोलते हैं, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। कहीं पर सागर लिखा जाता है और कहीं पर सरोवर। तो ये दोनों खंडवा में हैं और सरदार सरोवर जो है वो गुजरात में है। तो ये दोनों ही जो है वो नर्मदा नदी पर हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। आई होप ये आपको पता होगा, जो एमपी बोर्ड से है, जो माध्यमिक शिक्षा बात की जाए तो ये भोपाल में है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और भोपाल जो है वो फर्स्ट कैपिटल है, फर्स्ट नंबर पर कैपिटल है 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में। और भोपाल को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये दरअसल जो है वो सागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और सागर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का, इसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर जो है वो नौरादेही अभयारण्य है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। और सागर में जो है सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है, श्री हरि गौर सिंह विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पहला, सबसे पुराना जो है विश्वविद्यालय, दरअसल सागर में ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो मध्य प्रदेश में दरअसल जो है वो 16 नगर निगम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये सागर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, सागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये दरअसल जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो इनका नाम है आपको याद रखना है, शंकर लक्ष्मण सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो डिंडौरी में है। तो ये आपको याद रखना है, डिंडौरी। और सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है? भोपाल में। तो मैंने कई बार आपसे बताया है कि जो 2011 का जो सेंसेक्स है, जनगणना है, तो उसमें मैंने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। तो वो आप ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे बात की जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो डिंडौरी में है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो भोपाल में है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो इंदौर में है। और सबसे कम जनसंख्या पूछा जाए तो हरदा में है। ओके, और बाकी अगर आपसे पूछा जाता है कि साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो दरअसल जबलपुर में है। ओके, तो जबलपुर में है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता है। तो ये भी आप याद रखना।
अगर आपसे लिंकन पाथ पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लिंकन पाथ है वो बालाघाट में है और सबसे कम जो है वो भिंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सीधा सीधा याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर असल जो है 69.3% है। तो ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये दरअसल जो है वो 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की अगर सीजन की बात किया जाए तो 3 ही सीजन होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये दरअसल जो है वो उज्जैन में की गई है और इन्हें जो है वो फादर ऑफ संस्कृत कहा जाता है, पाणिनि, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में 4th नंबर पर है। ओके, तो 4th नंबर पर है और उज्जैन जो है छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है और सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में मेले लगते हैं वो दरअसल उज्जैन में ही लगते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? तो ये दरअसल जो है वो नगरीय या बात की जाए तो जबलपुर से हुआ था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। ओके, नगरीय निगम या बोला जाए नगर पालिका। ओके, नगर ये दरअसल जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले जबलपुर में हुआ था 1864 में, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए नगर निगम, देखो नगर पालिका जो है वो जबलपुर में सबसे पहले आई थी और उसके नगर निगम की बात की जाए तो दतिया में आई थी। तो ये दोनों ही जो फैक्ट आपको याद रखना है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मदन महल कहाँ पर है? तो मदन महल है जो बात की जाए तो जबलपुर में है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो विनोद भावे हैं तो ये कहाँ से संबंधित हैं? तो आचार्य विनोद भावे जो हैं वो जबलपुर से ही संबंधित हैं, संस्कारिक राजधानी के नाम से दिया जाता है। और इन्होंने जो है वो सबसे पहले विनोद भावे ने, आचार्य विनोद भावे ने भूदान आंदोलन कार्यक्रम सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया था, तो ये उसी से संबंधित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश या भारत में, मध्य प्रदेश में ही नहीं भारत में सबसे पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? तो जबलपुर से ही हुआ था। तो ये दरअसल हुआ था 1923 में। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ये सीधे डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चंडी देवी मेला कहाँ है? तो ये दरअसल जो है वो कहाँ लगता है? सीधी में लगता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सीधी हो जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में दरअसल जो है ताप्ती नदी गिरती है, ताप्ती नदी और कौन सी, नर्मदा नदी। तो ये दोनों ही जो है वो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, बाकी ये जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती, दोनों समांतर नदियाँ बहती हैं और ताप्ती नदी जो है वो बैतूल की मुल्ताई तहसील से निकलती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये दरअसल जो है वो धार में हुआ था और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सीधे सीधे। और धार में जो है वो पूतमपुर है, तो जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहीं पर जो है मांडू है जिसे सिटी ऑफ जॉय, मध्य प्रदेश की सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो ग्वालियर में जो सिंधिया वंश थे तो इनका नाम है आपको रखना है राणो जी सिंधिया, तो ये दरअसल जो है सिंधिया वंश के संस्थापक हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। और जो सिंधिया महल जो दरअसल पूछा जाता है आपसे, या जयविलास पैलेस या सिंधिया महल पूछा जाए, तो ये ग्वालियर में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, जो चचाई जलप्रपात है वो बीहड़ नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। और कौन सी नदी पर है ये? दरअसल चचाई नदी जो बीहड़ नदी पर है और ये रीवा में है, तो ये आप याद रखिएगा रीवा में है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमीर खान किस नहर से संबंधित हैं? तो ये दरअसल जो है वो इंदौर से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? तो मंदसौर हुआ और नीमच हुआ। तो जो
पश्चिम के जो क्षेत्र के दो जो जिले हैं बात की जाए, मंदसौर और नीमच, मैं काफ़ी बार बताता हूँ अगर मंदसौर की बात होती है तो वहाँ पर जो है वो अफीम की खेती ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, मंदसौर और नीमच में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो नर्मदा घाटी दरअसल आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में बहती है और महाराष्ट्र में। तो ये तीनों ही जो नर्मदा घाटी विकास परियोजना है, दरअसल इन तीनों राज्यों को जो है इसका लाभ मिलता है, बाकी कर्नाटक जो है ना इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये दरअसल जो है वो होशंगाबाद में है। तो होशंगाबाद में दरअसल जो है वो पुरातत्व स्थल आदमगढ़, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्यंग्य लेखन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो व्यंग्य जो बात की जाए जो, तो जो शरद जोशी सम्मान है, शरद जोशी, तो इसमें सर्वोच्च सम्मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 2011 मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो 931 जो है मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं जो जनगणना से रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और बाकी लिंग अनुपात मैं बता चुका हूँ, जबलपुर में जो है वो सबसे, वो बालाघाट में जो है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है वो भिंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के शामिल नहीं था? तो जब मध्य प्रदेश में पुनर्गठन बात की जाए तो पुनर्गठन हुआ था, तो जो डी पार्ट है वो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में शामिल नहीं है, बाकी ए बी सी हुआ तो ये जो है ना वो शामिल है। देखो ए के अंदर जो आ जाता है वो, जो बात की जाए तो ये बघेलखंड को मिलाकर जो है वो, और जो सेंट्रल प्रोविडेंस ही है, तो ए में ए की जो स्टेट हैं उसमें शामिल आ जाते हैं पार्ट ए में। और जो पश्चिमी रियासत हुए, जैसे कि पार्ट बी हुआ तो उसमें मध्य भारत आ जाता है, और उत्तरी रियासत हुए उसमें पार्ट सी आ जाता है, जैसे कि भोपाल जो है वो पार्ट सी का ही भाग है एक तरीके से। तो ये तीनों जो है वो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में शामिल है, बाकी जो डी पार्ट है ये शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की जो लंबाई है ये दरअसल जो है वो 785 है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो पीताम्बरा दरअसल जो बात की जाए तो ये दतिया में है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और अगर आपसे पूछा जाए कि दतिया कौन सा जिला जो सबसे छोटा है, तो देखो अभी तो जो है करंट में अगर पूछा जाता है तो निमाड़ी बन गया है, अगर 2011 सेंसस के हिसाब से बोला जाए तो जो है वो दतिया है, तो ये याद रखिएगा। बाकी अगर बात की जाए तो नगर पालिका जो है वो सबसे पहले दतिया में ही आई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आई होप ये आपको पता ही होगा, 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का एरिया है दरअसल पूरे भारत में कितना परसेंट है? तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है जो कितना परसेंट जो है वो घेरता है पूरे भारत का? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे स्टेडियम किस नगर में स्थित है? तो ये दरअसल जो है वो भोपाल में है, तात्या टोपे। और भोपाल में एक और स्टेडियम है ऐशबाग, तो ये भी जो है वो भोपाल में है। और अगर आपसे पूछा जाए रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। होलकर स्टेडियम पूछा जाए तो इंदौर में है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011, यानी जो 2 10 साल का जो सेंसेक्स होता है उसमें ग्रोथ कितनी हुई है? तो ये दरअसल जो है हुई है 20.32 है वो दस की वृद्धि दर है, यानी 10 सालों में। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये आपको पता होगा, मैं काफ़ी बार बताता हूँ, जो रामगढ़ की जो रानी थी अवंती बाई, तो ये दरअसल जो है ना अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था। और यही क्वेश्चन जो है वो आपसे
घुमा के वो पूछ लिया जाता है कि रामगढ़ की रानी किसे कहा जाता है, तो रानी अवंतीबाई को कहा जाता है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि रानी अवंतीबाई कहाँ किस स्थान से संबंधित रखती हैं, तो रामगढ़ से संबंधित रखती हैं। तो वही क्वेश्चन तीन चार तरीके से आपको घुमा के सीधा पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके। बाकी रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही होगा, जो झांसी से संबंधित रखती हैं, और रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो समाधि जो है वो ग्वालियर में है। देखो झांसी से संबंधित रखती हैं, अगर समाधि पूछा जाए तो ग्वालियर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य स्टेट टाइगर के नाम से जाना जाता है, जहाँ बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या के कारण है? तो देखो ये दरअसल जो है सर्वाधिक जनसंख्या पहले हुआ करते थे, जो स्टेट टाइगर जो मध्य प्रदेश को बोला जाता था, पर अब ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की संख्या कम हो गई है, बाघों की संख्या दरअसल, और अब जो है वो सर्वाधिक जो है वो कर्नाटक में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ इस तरह का रेड बटन आया होगा, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और डेली जो है मैं आपके लिए एक MPGK का जो क्वेश्चन है वो कवर करवा रहा हूँ। आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। और इन्हीं से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। हमने करीबन 750 से ऊपर जो है वो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और आगे भी हम करेंगे, तो कभी न 1000 से ऊपर जो है वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं। और अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हो तो MPGK में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, बाकी रीजनिंग की मैंने पोस्ट किया था, तो आप जितना ज़्यादा लोग रिप्लाई करें, आप ज़्यादा बोला करें, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स करेंगे ना तो हमें अच्छा लगता है, और हमें भी वो काम करने में अच्छा लगता है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और रीजनिंग का हम जल्दी वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।